हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल जिसका नाम है स्टडी फॉर यूपीएससी। सो दोस्तों, आज हम देखेंगे करंट अफेयर 11 अगस्त 2017 के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये करंट अफेयर। तो यहाँ में जो पहली करंट अफेयर है, देखिए यहाँ पे इंडिया रैंक्स 43rd इन ग्लोबल रिटायरमेंट इंडेक्स। तो जो इंडिया की रैंक आई है इस बारी 2017 में, वो 43rd रैंकिंग आई है, ठीक है, रिटायरमेंट इंडेक्स में। ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? नेटिक्सिस ग्लोबल के द्वारा, जो कि एक फ्रेंच कंपनी है, ठीक है। अब जो टॉप 3 कंट्री है गाइस, ये नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और आइसलैंड, ये टॉप 3 कंट्री है ग्लोबल रिटायरमेंट इंडेक्स में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नीति आयोग सेलेक्ट 6 स्टेट फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज इन हेल्थ एंड एडुकेशन सेक्टर। जो 6 जो नीति आयोग ने स्टेट जो सेलेक्ट किए हैं, उसमें उत्तर प्रदेश, असम, कर्नाटका, ये किसके अंडर है? सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल के अंदर, ठीक है, जिसे हम साथ भी कहते हैं, ठीक है। इसके लिए है ट्रांसफर देयर हेल्थ सेक्टर, ओके। सो यहाँ पे देखिए, नीति आयोग ऑल्सो सिलेक्ट मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा अंडर इट्स 7 इनिशिएटिव टू ट्रांसफॉर्म देयर एडुकेशन, ओके गाइस। तो चलिए आगे चलते हैं। सेकंड नेशनल डीवॉर्मिंग डे 10 अगस्त, ओके। अब सेकंड जो नेशनल डीवॉर्मिंग डे 10 अगस्त को पूरे देश में मनाया गया। इसमें 33 जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी में इसमें भाग लिया। किसके लिए? ये किसके लिए? ये साल में 2 बार मनाया जाता है। साल में गाइस 2 बार इसको मनाया जाता है, ठीक है। इसमें जो 2015 में स्टार्ट किया गया था, जिसमें 1 से 19 साल के जो बच्चे हैं उनको डिवॉर्मिंग टैबलेट दी जाती है स्कूल और आंगनबाड़ी के थ्रू। राजस्थान और मध्य प्रदेश ऐसे दो राज्य हैं जहाँ पे ये सिर्फ 1 साल ही मनाया जाता है। सो गाइस, थैंक यू। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिए। थैंक यू।